वेलेंटिस यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ। मेरठ के लालकुर्ते स्थित 22B रिजॉर्ट को आज शुक्रवार एक बार फिर से सील कर दिया गया। छावनी परिषद का कहना है कि अवैध रूप से बनाए गए इस 22B को पूर्व में 2015 में भी सील किया गया था, लेकिन यह बाद में स्टे हो गया था। 22B संचालक ने इस सील को अवैध रूप से तोड़कर यहां फिर से व्यापारिक गतिविधियां आरंभ कर दी थी। अब एक बार फिर से सभी कानूनी प्रक्रिया को पूरी करते हुए 22B को सील किया गया है। उधर रिजॉर्ट संचालक पंकज जौली का कहना है कि पूर्व में भी और अभी भी नियम विरुद्ध सील की है कार्रवाई की गई है। इस बारे में कानूनी राय लेने के बाद ही अगला कदम उठाया जाएगा। वहीं जिला प्रशासन की प्रतिनिधि ने कहा कि उन्हें कैंट बोर्ड ने 22B को सील करने के लिए फोर्स उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था, वह आज करा दी गई है। मौके पर मौजूद फर्स्ट बाइट संवाददाता निलोफर अंसारी की यह रिपोर्ट देखिए। मेरठ का फेमस रिजॉर्ट 22B सील कर दिया गया है, इससे मेरठ में हड़कंप मचा हुआ है। आइए यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ के मैनेजर से बात करते हैं। सर, आपसे जानना चाहती हूँ, पहले भी 4 बार सील हो चुका है और आज फिर से सील हुआ है, क्या रीजन है, क्यों बार बार सील हो रहा है? कुछ नहीं कहना, सिर्फ कैंट बोर्ड की तानाशाही है। जब उनको मन करता सील कर देते हैं, जब उनका मन करता खोल देते हैं। क्यों, कैंट बोर्ड की क्या इसी मैरिज होम से, इसी होटल से दुश्मनी है? क्योंकि उस पर बहुत सारे विवाद चल रहे हैं, उस विवाद से बचने के लिए हमको टारगेट किया गया है। क्या विवाद चल रहे हैं, बता सकते हैं कुछ? वो आप मीडिया हैं, आप बेहतर तरीके जानते हैं। नहीं, मैं आपके मुँह से सुनना चाहती हूँ। प्रतिदिन छावनी परिषद के कार्यालय में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या एक्टिविटी है, सब आप बेहतर तरीके जानते हैं, प्रतिदिन अखबार में आता है। अच्छा, अभी आप आगे क्या करेंगे? न्यायालय है, उसकी शरण में जाएंगे। जैसे कि पहले आप सुनाए कि 2 बार आप केस जीत चुके हैं इस पर जो लगाए गए थे आरोप, हम पे अवैध निर्माण का केस हुआ, कोर्ट से हमारे पक्ष में आया। अवैध संचालन का आया 244 का, वो भी हमारे पक्ष में है। ये कहते हैं कि हमने 278 में सील किया है। 278 कैंट एक्ट में सील का कोई प्रावधान नहीं है, सिर्फ और सिर्फ तानाशाही है। अगर आप लोगों के पास कैंट एक्ट 2006 हो तो उसको पढ़ लीजिएगा कि 278 के अंदर पावर क्या। मौके पर मौजूद ACM ने यह कहा। विगत दिनों कैंट बोर्ड के अधिकारियों के द्वारा हमारे उच्चाधिकारियों को एक पत्र लिखा गया कि संबंधित ये जो प्रश्नगत भूमि है 22B, यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में सीजर कार्रवाई कराई जानी है, जिसके लिए पर्याप्त पुलिस फोर्स और मजिस्ट्रेट की मांग की गई थी। उसके क्रम में हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा निर्देशित किया गया कि इनके साथ पर्याप्त फोर्स के साथ शांति व्यवस्था बनाए रखी जाए, और उसी क्रम में आज यहाँ पे फोर्स और मैं मजिस्ट्रेट के रूप में यहाँ पे उपस्थित हूँ और कैंट बोर्ड के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। बड़े पहले भी कार्रवाई हुई थी, फिर खुल गई है, ऐसा क्यों? ऐसा मेरे संज्ञान में नहीं है। उधर 22B के संचालक पंकज जौली ने इस कार्रवाई के बाद यह कहा। सील तब भी गलत थी, सील आज भी गलत है। कोई कोर्ट का स्टे खारिज नहीं हुआ, हाई कोर्ट का स्टे आज बरकरार है। मैं कल ADM TT साहब को लेटेस्ट कॉपी दिखाया था हाई कोर्ट के स्टे की। फिलहाल माना मतलब मनमाना रवैया है, जो मर्जी करें, लेकिन गलत किया है। अब आप कहाँ जाएंगे? देखिए, मैं अपने वकील साहब से राय लूँगा क्या करना, उसमें क्या नहीं करना, उसका फिर कानूनी पहले देख के उसमें राय लेकर उसमें कुछ काम करेंगे। अब देखिए तो गुरुदेव बताएंगे। पंकज जी, कुछ चर्चा ऐसी है कि कैंट में बोर्ड वाले कुछ आपसे पैसे की डिमांड कर रहे थे, जिसको लेकर आप नहीं देने पर ये कार्रवाई की गई है, क्या कहना है? अब देखिए, ये विषय समय करने के नहीं है, और सबको बेहतर पता है कि उनके मन में क्या चल रहा है। मेरे मुँह से निकली बात आम हो जाएगी जी। सर, 22B में सील किया गया है, क्या पूरा मुद्दा? देखिए, बंगलो नंबर 22B को पहली बार ट्रेड लाइसेंस के अभाव में काम करने के लिए जो सन 2015 में सील किया गया था सेक्शन 278 कैंट एक्ट के तहत, उसके बाद जो बंगलो नंबर 22B के जो रेजिडेंट्स हैं वो चले गए थे हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने इस पे स्टेटस को बरकरार रखने के लिए ऑर्डर किया था, लेकिन पिछले कुछ सालों में इन्होंने वो सील जो हमने लगाई थी उसको अनऑथराइजेडली तोड़ दिया था, और उस पे बजाबता काम कर रहे थे, जो एक्टिविटीज़ हैं उनकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ कर रहे थे, होटल चला रहे थे और रेस्टोरेंट था उनका। तो ये जो सीधा सीधा कोर्ट की अवमानना का केस बनता है,
और हमने इसमें काफ़ी बार इसको सील करने का प्रयास पहले भी किया, पुलिस की हेल्प लेने की कोशिश भी करी, तो आखिरकार हमें आज कामयाबी मिली है जिसमें हमने इस बंगले को फिर से सील कर दिया है इन द प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट, जो सिटी मैजिस्ट्रेट साहिबा प्रेजेंट थी, और पुलिस बल की सहायता लेके हमने इसको पुनः सील कर दिया है। सर ये भी था कि सील जो लगाई गई है सर तोड़ दिया जाएगा दोबारा से? हाँ, ये मुझे मेरे कर्मचारियों ने ये जानकारी दी है, जो हमारा स्टाफ सील करने के लिए गया था, कि वो जो कंसर्न्ड पर्सन है वहाँ पे, वो कह रहे थे कि आप सील लगा लीजिए लेकिन हम तोड़ देंगे इस पर। अगर पहले भी चूँकि वो तोड़ चुके हैं, उस पर हम उन लोगों पर हम लोग FIR भी करवाया था कैंट बोर्ड ने, तो अगर ऐसा करते हैं तो इस बार फिर से कानूनी प्रक्रिया, ये तो मैं चेतावनी देना चाहूँगा कि इस तरह का कोई भी कृत्य ना करें, और अगर वो करते हैं तो फिर इसमें FIR लॉन्च की जाएगी और कंटेम्प्ट एप्लीकेशन भी फाइल की जाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए firstbite.tv। नमस्कार। द गॉड्स पैलेस रिजॉर्ट, गंगा फेसिंग रेस्टोरेंट, पार्टी हाउस, डेस्टिनेशन वेडिंग, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ।